बैक टू द रियर, आपका आज वीडियो में स्वागत है। और बहुत दिनों से हम एक पॉडकास्ट देखना चाह रहे थे आपके साथ बैठकर, और इसकी सजेशन भी हमें काफी ज्यादा मिली थी। कौन सा पॉडकास्ट है बताएंगे? मौजम टाइटल है राम मंदिर द्वारका एंड मोहंजोदड़ो, आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ऑन एजीओ प्रेजेंट्स टीआरएस हिंदी 169। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो के चैनल के ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें, इनकी चैनल को इसके अलावा ब्लॉग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक और शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अजय प्रेजेंट्स द रणवीर शो में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। हिस्ट्री आर्कियोलॉजी मेरे फेवरेट टॉपिक्स है किसी भी टीआरएस एपिसोड के लिए। अब तक 3 जबरदस्त आर्कियोलॉजिस्ट आए हैं शो पर आज के आर्कियोलॉजिस्ट आर्कियोलॉजी की दुनिया के एक लेजेंड माने जाते हैं। के मोहम्मद सर हैज अचीव्ड इट इन स्टाइल थ्रू आउट हिज करियर। बहुत सारी चीजें करी है। अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, आर्कियोलॉजी में, आपको आज का एपिसोड बहुत जबरदस्त लगेगा। दोस्तों आज की आउटफिट है स्टाइल बाय आजियो। अगर आपको ऐसी आउटफिट चाहिए तो आजियो आप डाउनलोड कीजिए और तुरंत शॉपिंग शुरू कीजिए। आज के एपिसोड में के मोहम्मद सर हमें हिस्ट्री, असली भारतीय हिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सिखाएंगे। एंजॉय द एपिसोड। मोहम्मद सर टीआरएस में आपका स्वागत है, कैसे हो? थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आप लोग जो इंटेलेक्चुअल्स हो इस देश के, जिन्होंने पूरी जिंदगी डेडिकेट की है देश को, पढ़ाई को, आज उन्हें सेलिब्रेट किया जा रहा है पॉडकास्टिंग कल्चर की वजह से। यस, मैंने आपको बाहर भी कहा कि आपके बहुत सारे फैंस हैं इंटरनेट पर, क्या आप ये जानते हो? नहीं, मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि हम लोग उतने इंटरेस्टेड नहीं है इन जो जो सोशल मीडिया वगैरह में, इतना ज़्यादा दिलचस्पी लगते नहीं है। पर आपको क्यों लगता है कि लोगों की इंटरेस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है आर्कियोलॉजी में, हिस्ट्री में, आपके अकॉर्डिंग क्यों हो रहा है ये सब? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ दिस मीडिया। अदरवाइज यू नो, अगर जो ना 20-25 साल पहले इसको कोई तवज्जो देते ही नहीं थे, कोई इसके बारे में सोचते भी नहीं थे। आर्कियोलॉजी वो तो खैर तो पुरानी चीज़ है। एंड आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब ये होगा बहुत लंबा बाल होगा, बहुत बड़ा बियर्ड होगा, एक बहुत ही डर्टी जो ना वो कुर्ता पहना होगा, यही लोग सोचते थे। लेकिन अब बदल गया। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया। सच क्या जाना है लोगों ने आपके अकॉर्डिंग, क्या जाना आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में? आर्कियोलॉजी के बारे में लोगों को तो बहुत कम पता है। ओके, लेकिन अब जो है ना थोड़ा सा इसमें जो है ना क्यूरियोसिटी, क्योंकि इट्स ए वेरी क्यूरियस सब्जेक्ट है, यू हैव टू डीमिस्टिफाई दिस आर्कियोलॉजी। ओके, हर एपिसोड के बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करता हूँ। मैंने ये जाना है आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कि आप लोगों को एक टॉपिक चुनना पड़ता है ओवरऑल खुद के करियर के लिए। या मतलब पहले आप आर्कियोलॉजी की पढ़ाई करते हो, हिस्ट्री की पढ़ाई करते हो, पर जब आपके करियर की शुरुआत होती है आप एक स्पेसिफिक टॉपिक को चुनते हो खुद के लाइफ के लिए। आपका टॉपिक क्या है? क्या है असल में इसमें जो ना एक स्पेशलाइजेशन होते हैं किसी का, लेकिन वो स्पेशलाइजेशन आप करने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है आप उसी में ही चले जाएँ, क्योंकि आपका पोस्टिंग जहाँ होगा वही उसी के हिसाब से आपको बदलना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जो ना आप मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश में आपको तो प्री हिस्टोरिक पीरियड बहुत है जी, जैसे ग्रेट भीमबेट का जो केव्स है उसी के बारे में जो ना उसमें प्री हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। फिर हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी सांची है। प्री हिस्ट्री समझाइए क्या होता है। प्री हिस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पहले उनके पास जो ना लिखा पढ़ी चीज़ होता नहीं था, लिखना पढ़ना भी आता नहीं था, तो उस ज़माने में वो कैसे मैनेज करते थे, वो हिस्ट्री क्या है, तो उसमें भी एक तो प्री हिस्ट्री है, बिल्कुल एकदम हथियार वगैरह कुछ भी नहीं था, ओनली स्टोन टूल्स थे उस ज़माने में, उससे काम करना पड़ता था। देन प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, तब तक राइटिंग आ गया था लेकिन वो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ, हम लोग को पता नहीं है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का है उसको प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं। फिर हिस्टोरिक पीरियड आ जाते हैं, तो हिस्टोरिक पीरियड में तो खैर तो जो कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, जैसे हमारा सांची है, मध्य प्रदेश का सांची है,
फिर जो ना उसी तरीके से फिर आपको हिस्टोरिकल पीरियड के बाद जो गुप्ता है उस पीरियड आ जाते हैं, गुप्ता पीरियड, देन मेडिवल पीरियड, जैसे मांडू है या फतेहपुर सिकरी है या ताजमहल है, ये सब जो ना मेडिवल पीरियड में आते हैं। तो जहाँ आपकी पोस्टिंग है उस पोस्टिंग के हिसाब से आपको जो ना अपने स्पेशलाइजेशन को बदलना ही पड़ेगा। और जहाँ आपकी पोस्टिंग होती है कभी कभी वहाँ डाकू भी होते हैं, कभी कभी माफिया भी होता है, बहुत कुछ बोला आपने बाहर। एग्जैक्टली, डाकू रहेगा कभी कभी, नक्सल रहेगा। जब मैं छत्तीसगढ़ में पोस्टर था जी, तो मुझे तो खैर तो बहुत सारे नक्सलों से जो ना ताल्लुकात रखना पड़ा, क्योंकि अदरवाइज यू जस्ट कैनॉट सर्वाइव। कैसे होता है वो? ये वो तो खैर और सिंपल ऑर्डनरी पीपल, आपको लगेगा नहीं ये नक्सल है, नक्सल उनका टाइटल होगा। तो मुझे पकड़ भी लिया था। पकड़ भी लिया था? वो पकड़ने का मतलब उस तरीके का नहीं, क्योंकि कोई दुश्मनी वगैरह नहीं था। हम लोग जो ना सांबलूर करके एक टेम्पल ग्रुप से, तो एकदम रोड से 8 किलोमीटर जो ना पैदल जाना पड़ता था उस ज़माने में, वहाँ हम लोग पहुँच गए 9:30 बज गया। तो तब तक कुछ लोग आके, बाहर के कुछ लोग आके हमसे बातचीत करना शुरू किया। आपको लगेगा नहीं ये नक्सल ग्रुप से, तो मुझसे जो ना अपना एड्रेस पूछा, मैंने एड्रेस बता दिया। लेकिन उनको चाहिए था मेरा केरला का एड्रेस चाहिए था, तब मुझे थोड़ा सा शक हुआ। फिर बाद में मैंने कहा कि जब समझ में आ गया तो मैंने पूछा, देखिए ये 1000 साल के बाद जो ना ये मंदिर ठीक करने के लिए कोई आया है, उसी की वजह से जो पैसा जो मिल रहा है, यहाँ के गरीब लोगों को पैसा मिल रहा है, और अगर आप कहे तो हम जो यहाँ काम रोक देंगे, लेकिन इस पैसा कहीं और डाइवर्ट कर देंगे। तो दूसरी चीज़, आप इन लोगों से पूछ लीजिए जो भी गवर्नमेंट देते हैं उस अमाउंट से कोई कम हम इनको पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। तो उन लोगों ने कहा इसके पूरी स्टडी हमने पहले ही किया। फिर मैंने उनसे पूछा, देखिए कोई मसाला इसमें जो यूज़ करने वाला पत्थर है, मसाला है, इसमें हम कोई कमी कर रहे? उन्होंने कहा कि हमारे साथ भी इंजीनियर्स है, हम लोगों ने वो भी स्टडी किया। तो मेरे जब मैंने पूछा फिर आप हमें क्यों पकड़ रहे, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमको तो हमारा मूवमेंट चलाना है, तो इसको थोड़ा सा पैसा चाहिए। तो मैंने कहा कि अगर छोटा सा अमाउंट है मैं जो ना अरेंज कर दूंगा। कितने पैसे मांगे? वो उस ज़माने में इट वॉज इन 2003-04 में था, तो 10,000 रुपया उन लोगों ने मांगा। कोई बहुत बड़ा रकम था लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा रकम नहीं था। लेकिन उन्होंने एक और काम किया, तो तब तक जो ना उन्होंने कहा कि देखिए जब आंध्रा से नक्सल ग्रुप आएंगे तब हम आपको खबर करेंगे, आप काम रोक दीजिएगा 10-15 दिन के लिए, वो जाने के बाद जो है फिर खबर कर देंगे। सो दैट वॉज ए काइंड ऑफ अरेंजमेंट। उन जगह पे जगदलपुर में, सांबलूर में, नारायणपुर में, वहाँ अगर आपको रहना है थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ये आर्कियोलॉजिस्ट का एक जॉब प्रोफाइल का पार्ट होता है? इट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। ओके। वो आपको जो है थोड़ा सा ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स जो हो गए, जैसे पुलिस वाला है उनको तो खैर क्रिमिनल से लड़ना ही है, ये एक आर्मी का आदमी है, शत्रुओं से लड़ना ही है। तो उसी तरीके से एक आर्कियोलॉजिस्ट का ऑक्यूपेशनल हजार्ड से इसको बहुत कायदे से ले सकते हैं, और बहुत आराम से जो ना आप जो ना उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, देन दे वेर ऑल आवर फ्रेंड्स। अब वो माइनिंग माफिया की कहानी शेयर कर सकते हो जो आपने? वो बटेश्वर में था। बटेश्वर जो ना चंबल वैली में, चंबल में, और चंबल में तो खूंखार डाकू हुआ करता तो उस ज़माने में, क्योंकि जब मैं गया था दैट वॉज फ्रॉम 2004 के आखिरी पीरियड से जी, और 2004 से 8 तक जो ना वो डाकू को उनका इलाका था, वो पूरा एरिया चंबल का जो एरिया है, तो वो MP भी है, UP भी है, राजस्थान भी है पूरा एरिया। तो यहाँ MP में क्राइम करेंगे, चंबल पार करेंगे तो वहाँ पुलिस नहीं पकड़ेंगे। ओके। वहाँ क्राइम करेंगे, चंबल पार इस तरफ आ जाएगा तो बच जाएगा। तो उसी तरीके से लेकिन जो ना वो तीनों गवर्नमेंट ने एक टास्क फोर्स बना दिया, उन लोगों ने कहा कि जो ना कहीं पर भी है उसको अरेस्ट करेंगे, वेदर इट इज़ इन यूपी मध्य प्रदेश, ये सब नहीं देखेंगे। तब उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी हुई। तो भाग रहा था, उसी टाइम में इन लोगों से मुलाकात हुआ, लेकिन एक बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था
जिनका नाम है विजय रामन। विजय रामन वो पुलिस ऑफिसर है जिन्होंने पान सिंह तोमर को जो ना पूरा लिक्विडेट कर दिया, उनको मारा था। इतना बड़ा पुलिस ऑफिसर था, सो ही हैड अ नेम एंड फेम ऑफ हिज ओन। और वो गाजी बाबा करके जो पाकिस्तानी टेररिस्ट था, द मैन बिहाइंड दैट दिस वन आई मीन बॉम्बार्डिंग अवर पार्लियामेंट हाउस, उनको भी इन्हीं के ग्रुप ने मारा था। तो मुझे फ़ायदा ये मिल गया, वो मिल, ये विजय रामन साहब मिल गए। हिज वाइफ वॉज वर्किंग विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, तो वीणा रामन, तो इसलिए बहुत फ़ायदा हो गया था। तो उनके जरिए हम लोगों ने ये डाकुओं तक गए और डाकुओं से कहा कि उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया दैट मोहम्मद इज़ माई मैन एंड ये काम मंदिर का काम के लिए आ रहे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कैसे होता है डाकू रियल लाइफ में जब आप मिलने जाते हो? रियल लाइफ में जब आप करीब जाएंगे, दे आर ऑल ह्यूमन बीइंग। हमारा एक और फ़ायदा था, कुछ सरेंडर डकॉइट्स वहाँ थे, उनको भी हम लोगों ने पहले अपने इसमें ग्रुप में ले लिया था। मतलब डाकू के ग्रुप को उन्होंने छोड़ा था और आपके साथ जुड़ गए थे? वो हम लोगों साथ जुड़ गया, उन्होंने जस्ट इन्फॉर्म किया कि जो ना ये हमारा आदमी है और ये मंदिर का काम के लिए आ रहे हैं। कोई गब्बर सिंह टाइप कैरेक्टर था वहाँ? गब्बर सिंह के बाद अब भी आजकल भी है, आजकल भी आपको जो ना गब्बर सिंह जैसे लोग जो ना वो बहुत मिलेंगे। और बाजार भी जाते हैं वो जो ना बिल्कुल जो ना उनका बंदूक जो ना बिल्कुल इसमें रहेगा, शोल्डर में रहेगा, आजकल भी है वो सब जो ना बदला नहीं है। पर बात करने का तरीका कैसा रहता है? नहीं, बात करने का, बिकॉज यू नो वंस दे आर कन्विंस्ड दैट यू आर डूइंग ए वेरी गुड वर्क यू नो देन दे विल गिव यू फुल हेल्प एंड सपोर्ट। सपोर्ट? हाँ, पूरे सपोर्ट मिलेंगे, मतलब प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन भी मिलेंगे। फिर जो ना वो आपके आप जो ना उनको शामिल भी कर सकते हैं अपने काम में। लोअर जो ग्रुप है वो हमारा जो ना एक लखन सिंह करके एक जी, तो वो पहले बड़ा नामी किरामी डाकू था, लेकिन फिर वो सरेंडर हो गया और उसके बाद जो ना वो मध्य प्रदेश में एम्प्लॉय भी हो गया। तो उनको मैंने अपने भोपाल वाले ऑफिस में बुलाया था एंड उन्हीं की वजह से हम लोगों ने वहाँ एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भी वहाँ फॉर्म करके, आजकल वो कोऑपरेटिव सोसाइटी 2 लाख रुपया जो ना अपने जो एम्प्लॉयज़ को दे रहे लोन में। तो इतना अच्छा काम कर सकते हैं। अब देश भर के मंदिरों को रीएस्टैब्लिश कर रहे हो, स्पेशली जो मंदिर टूट चुके थे, रिकंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ। okay. असल में जो आर्कियोलॉजी में दो काम है, तो बहुत सारे मंदिर ऐसा है कि ये जो यहाँ का जो मंदिर था, बटेश्वर का जो मंदिर था, ये फॉरेस्ट एरिया में था, ढाकू लोग थे, इसलिए वो बच गया। वो पारा टेम्पल का जितने भी पार्ट्स है वो सब हम लोगों को वहाँ मिल गया। नहीं है तो क्या होता है, अक्सर लोग जो ना वो ले जाते हैं, जो ना अपने घर में यूज़ कर लिया या कहीं और यूज़ किया। लेकिन यहाँ वैसा नहीं हुआ है, वहाँ पूरे के पूरा डाकुओं की वजह से वहाँ बच गया। तो मेरे लिए ये बहुत आसान था कि जो ना एक बार उनके परमिशन मिल गया, उसके बाद जो ना इसको रिकन्स्ट्रक्ट करना जो ना हमारे लिए बहुत आसान हो गया। तो 80 टेम्पल्स वी हैव बीन एबल टू रिकन्स्ट्रक्ट देयर। एक अजीब सवाल पूछना चाहूँगा आपसे, हाँ, क्यों रिकन्स्ट्रक्ट कर रहे हो? रिकन्स्ट्रक्ट दो रीज़न है जी। वन इज़ आर्कियोलॉजिकल रीज़न। आर्कियोलॉजिकल रीज़न ये है कि यू हैव ऑल द पार्ट्स आर देयर, आप जो ना सिम्बली जो ना आप ज्वाइन करके पीस टुगेदर करके आप उसका रिकन्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए मुझे थोड़ा सा और ज़्यादा है उसका फिलॉसफी। वो फिलॉसफी क्या है, मैं ये एडमिट कर रहा हूँ, मुसलमान जब इंडिया आए एस इन्वेडर्स, उन लोगों ने बहुत सारे मंदिर जो है ना तोड़ा है। आई एक्सेप्ट इट, अनलाइक द मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन। मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो ना वो जस्टिफाई करने के लिए कोशिश करते हैं, वो इसके लिए नहीं था, वो सोना चांदी के लिए था। मैं एक्सेप्ट नहीं करता हूँ वो सब चीज़ें। मैं कहता हूँ कि मुसलमानों ने बहुत सारे तोड़ा है एंड मुझे उसकी प्रायश्चित करना है। इन ए वेरी सबड्यूड वे मुझे उसका प्रायश्चित करना है। इसीलिए मैं जब भी मंदिर बनाता हूँ, बिकॉज मोर देन 100 मंदिर जो ना मैंने अभी तक रिकन्स्ट्रक्ट किया है कई जगह पे, तो वो जब भी मैं रिकन्स्ट्रक्ट करता हूँ, मेरे लिए मेरे दिमाग में है कि मैं उसकी प्रायश्चित कर रहा हूँ। इसके लिए मौका ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को नहीं दिया।
अगर कोई इंजीनियर है उनको वो नहीं मिलेगा, अगर कोई और डॉक्टर है उनको वो मौका नहीं मिलेगा, या कोई वकील है उनको नहीं मिलेगा, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक मौका दे दिया है और वो मैं बहुत ही बखूबी अंजाम कर रहा हूँ। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ रिपेंटेंस रिपेयर वर्क फॉर मी एज एन आर्कियोलॉजिस्ट और एज अ ह्यूमन बीइंग। जब आप एक टेम्पल को रिकंस्ट्रक्ट करते हो क्या महसूस होता है, जब आप उस वो फाइनल प्रोडक्ट को अपने सामने देखते हो या आपके दिल में क्या होता है? या नहीं, इट्स इनफाइनाइट सेटिस्फेक्शन होता है। आप जो ना ये देखने के पहले क्या किस हालात में था, अब जो ना ये बिल्कुल जो ना यू हैव रिकंस्ट्रक्टेड द अबोड ऑफ लॉर्ड शिवा और लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा, आप यू नो यू आर डूइंग इट। सो इट इज़ ए काइंड ऑफ आई मीन ट्रमेंडस सेटिस्फैक्शन मिलेगा आपको, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू नो पीपल आर ऑल्सो लविंग यू। उनको भी ये पता है कि जो ना ये पूरा जो रिकन्स्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, दिस इज़ ए ग्रेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि दुनिया पूरा दुनिया से लोग जो ना ये देखने के लिए आ रहे हैं, एंड दे आर ऑल्सो आई मीन वो कहते हैं वाह इतना बड़ा काम। उनको जब हम लोग फोटोग्राफ दिखाते हैं ये किस हालात में गिरा पड़ा हुआ था, और जब आप जो ना सामने इतने बड़े मंदिर जो ना खड़ा हुआ है, तो दे देमसेल्फ जॉइन टुगेदर, अरे कितना बड़ा काम आप लोगों ने किया। कंस्ट्रक्शन की शुरुआत से पहले जब वहाँ वो पार्ट्स पड़े रहते हैं उस एरिया में, तभी भी आपको कुछ एनर्जी फील्ड महसूस होती है? एग्जैक्टली, बिकॉज यू नो आई हैड दैट काइंड ऑफ वाइब्रेशन जो हम लोग कहते हैं, व्हेन आई वेंट फॉर द फर्स्ट टाइम टू दैट प्लेस, क्योंकि इन लोगों ने परमिशन दे दिया। आप कहाँ की बात कर रहे हो? मैं बटेश्वर की बात कर रहा हूँ। बटेश्वर जब गया तो परमिशन लेने के बाद ही जा सकते थे डाकुओं के, क्योंकि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं आप लोग क्या क्या कर रहे हैं जी। तो वहाँ जाके उन्होंने बिल्कुल एकदम गिरा, बहुत बुरी तरीके से गिरा पड़ा हुआ था, वो ह्यूज अर्थक्वेक में सारी सब कुछ ख़त्म हो गया था, जैसे ऑर्डिनरी जगह पे नहीं, जैसे नहीं है, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया था। तो वहाँ जब आप पहुँचते हैं ये मंजर देखते हैं, तो एक अजीब कैफियत होगा आपको, जो ना यू फील दैट देयर इज़ ए दिस वन ए काइंड ऑफ एनर्जी, ए काइंड ऑफ वाइब्रेशन, एंड यू हैव बीन गिवन अ चांस टू रिकंस्ट्रक्ट इट। तब जो ना आपको जो ना महसूस होते हैं कि जो ना व्हाट ए ग्रेट कॉल यू हैव फ्रॉम गॉड, तो वो एनर्जी जो ना बहुत बड़ा एनर्जी है, एंड दैट स्टिल सस्टेन्स मी। मुझे बहुत सारे मुश्किलें झेलना पड़ा, जैसे आपने कहा ये माइनिंग, एक बार जो ना जब तक डाकू लोग थे तब तक जो ना काम रुका नहीं है जी, लेकिन डाकू लोगों के एक एक करके जो ना ख़त्म कर दिया भाई। 2005 नवंबर के महीने तक जो ना आखिरी डाकू को ये निर्भय सिंह गुज्जर करके डाकू था, उनका ग्रुप ख़त्म हो गया था। फिर गढ़विया ग्रुप था वो 2008 तक थे, तो उसके बाद जो ना फिर जो माइनिंग लॉबी आया वो दे स्टार्टेड रैम्बन माइनिंग। माइनिंग लॉबी मतलब कुछ अमीर लोग होते हैं जो एक माइनिंग प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं पैसों को और इलीगल मीन से भी माइनिंग करवाते कुछ एरिया में, बिल्कुल, और ताकि वो माइनिंग होते जाए सही उस प्रोजेक्ट में पैसा डालते रहते हैं, रिश्वत देते रहते हैं ऑफिशियल्स को, और आप जैसे लोग जो उसी एरिया में काम कर रहे हैं आपके काम में दिक्कत लाते हैं। दिक्कत नहीं, हमारा तो सिर्फ दिक्कत नहीं, हमने जो दो कुछ बनाया है ये मंदिर जो ना वो इसकी वाइब्रेशन की वजह से जो ना गिर रहा है, मतलब अच्छा माइनिंग की वजह से, हाँ, बिकॉज यू नो द ट्रिमोर जो है ना माइनिंग का, उसी की वजह से हमारा मंदिर गिर रहे थे, मतलब धरती वीक हो रही है। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वाइब्रेशन की वजह से जी, तो धरती भी और हमारा जो मंदिर भी, क्योंकि इसमें जो ना क्रैक डेवलप शुरू हो गया, फिर गिरना शुरू हो गया। देन आई रोट टू वेरियस अथॉरिटीज, तो कोई सुनवाई नहीं दे रहे थे कुछ, फिर जो ना फिर हम लोगों ने और कोशिश की, फिर भी कुछ ये नहीं हुआ। एक मिनिस्टर थे, मैंने उनको लेटर भी लिखा, उनके पास गया जाके कहा सर मेरा मंदिर जो ना गिर रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा मोहम्मद जी आपका वो लेटर मुझे नहीं मिला, लक्ष्मीकांत शर्मा उनका नाम था, अभी डेथ हो गया, वो एक व्यापम केस में जो ना वो फिर अंदर भी हो गए थे। तो फिर मैंने दोबारा चिट्ठी लिखा, फिर गया तो उन्होंने मोहम्मद जी आपका वो चिट्ठी नहीं मिला। फिर मुझे एक ऐसा काम करना पड़ा जो एक गवर्नमेंट सर्वेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानता था कि इसके अलावा इसको रोकने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। तो मैंने क्या किया, एक बहुत अच्छी चिट्ठी
उस जमाने में आरएसएस के चीफ थे सुदर्शन जी। सो सुदर्शन जी को मैंने एक बहुत अच्छा चिट्ठी लिखा। मैंने कहा, सर आप कहते हैं कि यह मंदिर का बचाने वाला है और यह आपका मध्य प्रदेश में आप ही के ही मिनिस्ट्री है, बीजेपी के मिनिस्ट्री है, यहाँ इतना मंदिर मैंने अभी तक बचा दिया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन अब वो जो ना सब गिरना शुरू हो गया है। सो इट वॉज ए हार्ड हिटिंग लेटर, बट ही टुक एक्शन इमीडिएटली। विद इन 24 आवर्स ही पुल्ड अप द चीफ मिनिस्टर, पुलिस वॉज रश टू द एरिया, और पूरा बाकायदा वो भी जो ना जो दूसरा माइनिंग पार्टी हुआ ना वो भी वेरी वेल आर्म्ड था। ये तो बिल्कुल वहाँ जो ना आर्म्ड के अलावा जो ना कुछ होता नहीं है, वेरी वेल आर्म्ड थे। बाकायदा एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ उन लोगों में, आखिर में पुलिस ने उनको दबा दिया तो माइनिंग रुक गया। मतलब एनकाउंटर हुआ वहाँ? एनकाउंटर कई कई वहाँ तो खैर ये आम बात है। मैं तो बच गया, लेकिन एक यंग पुलिस आईपीएस ऑफिसर था ये, उस उसके कंटिन्यूशन में बाद में 2012 में यंग आईपीएस ऑफिसर था, उनको इतनी बुरी तरीके से इलीगली माइन ट्रैक्टर के नीचे गिरा के जो ना उनके ऊपर जो ना गाड़ी चला दिया, तो इतनी ज़्यादा हो जाते हैं उस एरिया में, तो ये सब जो ना झेलना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। आप कमरे में बंद करके जो ना काम करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बदलना है तो आपको जो ना थोड़ा सा कभी कभी जो ना इस तरीके का काम भी करना पड़ेगा या ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेगी। यस, उसे किडनैप करके ये किया था? किडनैपिंग यहाँ वहाँ अक्सर होते रहते हैं उस ज़माने में। तो ये जो पुलिस ऑफिसर था नरेंद्र कुमार उनका नाम था, बहुत ही यंग आईपीएस ऑफिसर था, और 2012 में मार्च के महीने में उनका डेथ यानी उनका उनको इन लोगों ने बहुत बुरी तरीके से मार दिया, और उनकी वाइफ जो है ना शी वॉज एन आईएएस ऑफिसर, इसीलिए थोड़ा सा कार्रवाई हुआ भी। एंड वेरी यंग, वेरी एनर्जेटिक, वेरी पोटेंशियल पर्सन। मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुआ था, लेकिन बाद में क्योंकि तब तक जब मैं 2008 में मेरा ट्रांसफ़र हो गया था दिल्ली, दिल्ली में वो कॉमनवेल्थ का ये गेम का प्रिपरेशन चल रहा था, तो आई वॉज ट्रांसफर टू दिल्ली, फिर मैं दिल्ली में था। लेकिन मैं जब घर गया था केरला में, तब वहाँ पता चला मुझे कि जो ना इतनी बुरी तरीके से इन यंग ऑफिसर को मारा है। माय गॉड, 2023 में असलियत क्या है देश की आर्कियोलॉजी की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की? मतलब क्या किन टॉपिक्स को लेकर ज़्यादा रिसर्च किया जा रहा है, ज़्यादा डिगिंग की जा रही है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हमको काफ़ी उम्मीद थे, क्योंकि आर्कियोलॉजी जैसे बीजेपी अधिकार में आएंगी तो खैर तो इसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ये हम लोग सोच रहे थे। बहुत लोगों ने ये सोचा कि जो ना क्योंकि इनके पीरियड में जैसे वाजपेयी साहब के पीरियड में बहुत अच्छा एक हमारा मिनिस्टर थे उस ज़माने में जगमोहन जी, वो एक ही वैसे पावरफुल एंड ए विजनरी डायनामिक मिनिस्टर थे, तो हम लोग वो उम्मीद कर रहे थे उसी तरीके का ज़माना आएगा, लेकिन इट वॉज ए आई मीन दिस वन इल्यूशन। जो आई वर्क इन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फॉर 24 years, एंड बिफोर दैट फॉर 10 years आई वॉज इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, आर्कियोलॉजी में ही था, सो आई वॉज क्लोजली इन कॉन्टैक्ट विद दिस वन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन इतना डार्केज जो इस पीरियड में जब पिछले जो 9 साल में जो हुआ है, इतना डार्केज हम लोगों ने पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पहले तो खैर तो हम लोगों के जो ना फाइनेंशियल पावर थे, तो दैट वॉज फॉर 25 लाख ऑफ रुपीज था जो सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट, ये सुपरिंटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट वो पोस्ट है जो बिल्कुल एकदम जो काम करवा सकते हैं डायरेक्टली जो काम करवाने में, तो वो 25 लाख का पावर जो है ना बिल्कुल एकदम ख़त्म करके उनका पावर जो है ना बहुत कम ला दिया, बाकी पूरा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर हो गया दिल्ली ऑफिस में। इसलिए जो स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन होना चाहिए था, स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन दो टाइप ऑफ कंजर्वेशन, एक है मंदिर जो है ना उसको ठीक ठाक अगर आपको करना है और उसको जो है ना मरम्मत करना है, तो
तो उसको स्ट्रक्चरल कंजर्वेशन कहते हैं। यह है असली वर्क आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। पेरिफेरल में आपको बाउंड्री वॉल बनाना है, आपको टॉयलेट बनाना है, आपको जो ना भी जो ना कैफेटेरिया बनाना है, ये सब जो है पेरिफेरल वर्क से। तो ये जो स्ट्रक्चरल वर्क इस पीरियड में, ये पिछले 9 साल में तो बहुत कम हो गया। और एक तो पावर ही ख़त्म कर दिया था, देन आई रोट ए लेटर टू वेरियस पीपल, उसकी मैं भी लिखा और भी बहुत सारे लोगों ने कोशिश की, क्योंकि वो इतना जब कम हो गया, ख़राब हो गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का, बहुत सारे ने लोगों ने लिखा था, मैं भी लिखा। उसके बाद जो है उसका पावर जो है थोड़ा सा रेस्टोर, 2-3 साल पहले रेस्टोरेशन किया है, लेकिन फिर जो ना ये पैसे जो फंडिंग जो होता था वो डाइवर्ट कर दिया बाकी पेरिफेरल वर्क्स में, जैसे टॉयलेट बनाना है, जो जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ जो ना बड़े बड़े जो टॉयलेट। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड आर्कियोलॉजिस्ट हो, बहुत सारे मंदिरों की रिकन्स्ट्रक्शन में आपने काम किया, आपने देश की हिस्ट्री बहुत करीबी से देखी है, और आपके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी कर रही है देश की आर्कियोलॉजी के लिए, देश की हिस्टोरिकल सर्चेस के लिए, वो गलत है। गलत है। मतलब जैसा काम होना चाहिए वैसा काम नहीं हुआ। एंड आई कॉल इट एज द डार्क एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। सच में रियली खुल के बता रहा हूँ, क्योंकि इतनी बुरी अवस्था कभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का रहा नहीं है। आप काफी ज्यादा इंटेंस चीज कह रहे हो पॉडकास्ट पर, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यस, आप जैसे लोगों को आजकल इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, तो जो आप कहोगे बहुत सारे यूथ अभी इस चीज से अफेक्ट होने वाले हैं। अच्छा, और आपकी आवाज मेरे अनुसार गवर्नमेंट तक पहुंचेगी। क्या कहना चाहोगे आप? नहीं, बिल्कुल, जो गवर्नमेंट को शुड टेक केयर ऑफ इट, क्योंकि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट है जो बिल्कुल तो पूरा का पूरा जो ना हेरिटेज टूरिज्म इसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि भारत में बहुत सारे टूरिस्ट आ जाए। बिल्कुल गवर्नमेंट चाहते हैं, लेकिन जो ना जिस तरीके से इस डिपार्टमेंट की तरफ देखना चाहिए था, इसका इसका जो ना सपोर्ट करना चाहिए था, उस तरीके का काम अभी तक हुआ नहीं है, एक्सेप्ट जो ना कांग्रेस पीरियड में अच्छा था, ठीक था। एंड जगमोहन जी तखर तो बहुत ही अच्छा उन्होंने सपोर्ट किया था, इतना दैट वाज द गोल्डन एज ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे। तो क्या बदलाव होना चाहिए? अब बदलाव तो खैर तो ये है कि एक तो खैर तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर्स है उन लोगों को बुला के, ये एएसआई का क्या स्ट्रेंथ है, एएसआई एक ऐसी हाथी है जिसका स्ट्रेंथ, वो अपना जो ना बहुत बड़ा कान है ना हाथी का, जिसकी वजह से उनकी ताकत कितना है वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एक तो मजबूत करना चाहिए, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक है। मतलब आप ये कह रहे हो कि जो लोग एएसआई में काम करते हैं उनकी कैपेबिलिटीज बहुत ज़्यादा है पर उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता। उनके भी जो ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ जो ना उसका स्ट्रेंथ, एक एक मॉन्यूमेंट का स्ट्रेंथ इतना है, इसको जो ना आप बहुत बढ़िया बना सकते हैं। जी ओके। एंड उसके उसको मार्केटिंग, हेरिटेज को मार्केटिंग करना चाहिए आपको। नालंदा जाएंगे तो खैर तो आपको जो ना कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, कुछ जो ना आप जो ना वो स्ट्रक्चर के ऊपर चलेंगे। हाँ, पुराना यूनिवर्सिटी था, बड़ा यूनिवर्सिटी था, ये सब जो ना आप कहेंगे, लेकिन आप अपने साथ जो ना क्या लेके आ रहे हैं। तो वहाँ जो ना मेरा कहना ये है कि वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी कोई भी एक आदमी जाए तो वहाँ एक इंटरप्रिटेशन सेंटर होना चाहिए। पहले आप जो ना टिकट ले लीजिए, वो इंटरप्रिटेशन सेंटर में चले जाइए, वहाँ जो ना 15 मिनट का जो ना एक छोटा सा मूवी होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होना चाहिए, नालंदा क्या है। जैसे नालंदा वो जगह है कि जहाँ भगवान बुद्ध खुद आके बैठते थे, कि एकम समयम भागवा नालंदायम विहारादि पावारिगाम्रवने, एक बार जो ना भगवान बुद्ध जो ना खुद आके वहाँ बैठा है, वो परिपावन जगह है। ये वो जगह है यहाँ पढ़ने के लिए 16,000 किलोमीटर्स पार करके ह्यूयांगसांग आए थे चाइना। एंड इट हैड ग्रेट यूनिवर्सिटी, रत्नगंजा, रत्नोदधी, रत्न सागर, 3 ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ थे जो बख्तियार खिलजी ने ख़त्म कर दिया था बिल्कुल। ही बर्नड आउट द होल थिंग। कहते हैं कि जब उन्होंने आग जलाई थी तो वो आग एक हफ्ते के लिए जली। हाँ, वो सब जो ना एक इमेजिनरी है, लेकिन जो ना दैट इज ऑल राइट, तभी लोग समझेंगे। तो
लेकिन ये तीन ग्रेट यूनिवर्सिटीज थे और ह्यूयांगसांग खुद जो ने यहाँ से 756 मैनुस्क्रिप्ट 20 घोड़े को ऊपर लेके गया था, 756 मैनुस्क्रिप्ट उस ज़माने में, 400 मैनुस्क्रिप्ट जो ना इत्सिंग लेके गए थे चाइना। तो इतना बड़ा यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ जो जाते हैं तो जब भी आप पैर रखेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए, यू आर वॉकिंग ओवर द सेम स्टेप ऑफ लॉर्ड भगवान बुद्धा, यू आर वॉकिंग ओवर द सेम सॉयल ऑन विच द ग्रेट ह्यूयांगसांग हु हैड क्रॉस्ड 16,000 किलोमीटर्स टू कम एंड स्टडी इन दिस यूनिवर्सिटी, उसी पावन धरती पे आप चल रहे हैं। अगर इस तरीके से एक वो डॉक्यूमेंट्री बना के ये सूरत देखने के बाद, देन एन इन्फॉर्म्ड गाइड शुड टेक यू टू ऑल दिस प्लेसेस एंड ही शुड बी एबल टू पुट ए टंग इन ईच एंड एवरी स्टोन। एक एक जना ईंट पे जना वो जबान डालेंगे, वो ईंट आपसे बात करेंगे, फिर आप जब वापस आएंगे यू वुड बी रियली प्राउड ऑफ योर हेरिटेज ऑफ द कंट्री, प्रेशियस हेरिटेज ऑफ द कंट्री। वो चीज़ें बना पैदा करना चाहिए। पता सर, मैंने दुनिया भर काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है और हमारे देश में जो हिस्ट्री है उससे काफ़ी कम पावरफुल हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है बाहर। यस यस, हमारी देश की हिस्ट्री इतनी ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त है, जो आप कह रहे हो होना चाहिए। आई होप कि अगले 10 सालों में एटलीस्ट ऐसी चीज़ हो जाए, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि टूरिज़्म बढ़े, पर पहले उसके लिए स्टेप्स लेने पड़ेंगे। टूरिज्म बढ़ाते हैं के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन जो क्वालिटी इनपुट जो होना चाहिए एक एक साइट पे, हाँ जी, क्योंकि हेरिटेज टूरिज्म पूरी की वजह, आर्कियोलॉजी की वजह से, उसमें जो क्वालिटी इनपुट होना चाहिए, इट शुड बी ए काइंड ऑफ रीजनरेटिव सेंटर। एक एक मॉन्यूमेंट जो ना ऐसी एक जनरेटिव ये सेंटर होना चाहिए, आपके रोंदे खड़े हो जाना चाहिए, आपका जो कुंडालिनी को वो जगाना चाहिए। जब तक कुंडालिनी नहीं जगाएंगे ये सब जो ना देखने के बाद, हाँ ये ईंटे है आप उसके ऊपर चलिएगा, हाँ हमने नालंदा देख लिया। तो यहाँ का एक एक साइट जो ना उसी तरीके का साइट है। Okay. तो ये वो गवर्नमेंट जो ना करना चाहिए, वही कहते हैं मैं विजन चाहिए एंड डायनामिज्म चाहिए। अभी कि आपके पास बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे पर्सपेक्टिव, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, पर लोगों को आपको सही सवाल पूछने चाहिए और आपसे ये सब नॉलेज एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ सर आपको पॉडकास्ट पर जाने की ज़रूरत है, ज़रूरत है। भाई जब मैं हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ या हिस्ट्री से रिलेटेड जो है मैं वीडियोस देखता हूँ, तो एक चीज़ जो है मैं हर टाइम रियलाइज़ करता हूँ कि भाई आपकी पहचान जो होती है ना वो आपके कल्चर से, आपकी ज़मीन से, और आपकी ज़मीन पर होने वाली जितनी भी चीज़ें या इंसिडेंट्स हुए होते हैं उनसे की जाती है। वेल, आज की वीडियो देखकर जो भी हमने फर्स्ट पार्ट देखा है, मतलब इससे पहले भी हमने के मोहम्मद सर की एक वीडियो देखी थी जो कि राम मंदिर से रिलेटेड थी और उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड थी, लेकिन आज जो हम लोगों ने देखी है वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। सो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको जानने को मिली, और मैं कहूँगी एक डिफरेंट पहलू जो है वो जानने को मिला कि कितने चैलेंजेस जो है वो एक आर्कियोलॉजिस्ट को फेस करने पड़ते हैं। स्पेशली मैं बात करूँगी कि मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी उनमें कि जो उन्होंने बोला ना कि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ कि मुस्लिम्स इन्वेडर्स ने आकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्बादी की और बहुत सारे टेम्पल्स जो हैं उनको तोड़ा, और वो ये भी बोलते हैं कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ उनकी इंटेंशन जो थी वो सिर्फ सोना जेवरात वगैरह जो है वो लूटने के लिए थी, बल्कि उनकी इंटेंशन वाकई में उनको बर्बाद करने की थी। तो मुझे लगता है कि ये बात काबिले तारीफ इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो कि सच को मानते हैं और आगे चलते हैं, और जैसे उन्होंने बोला कि मैं प्रायश्चित करता हूँ, मतलब मैं जब भी एक नया टेम्पल जो है वो बनाता हूँ, कंस्ट्रक्ट करता हूँ, और स्पेशली मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, एक चीज़ होती है बनाना, एक चीज़ होती है उस जगह की एनर्जी को, उस वाइब्रेशन को फील करवाना कि जब वो स्ट्रक्चर को कोई देखे, जब वो उसमें एंटर हो तो उसको भी वो एनर्जी जो है वो फील होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो जो डेडिकेशन है ना ये बहुत कम लोगों में होती है, तो मुझे ये एक उनका बहुत अच्छा पहलू लगा उनके बात करने का। और उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, आई मीन सीरियसली मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि इतने ज़्यादा चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं। हालांकि जब हम लोगों ने लास्ट टाइम पर मिसले मोहम्मद देखा था, इनका एक शो, उस टाइम पर बिल्कुल डाकुओं की कहानी ज़रूर सुनाई गई थी, लेकिन कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें तो काफ़ी ज़्यादा इलैबोरेट कर बताया गया,
तो मैं ये बात सोच रही थी कि हमारे जैसे लोग जो सिर्फ ये सोचते हैं कि भाई बहुत ही एक सेफ किस्म की जॉब है जहाँ पर आप जाते हो, खुदाई वगैरह करते हो, चीज़ें वगैरह सही करते हो, गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हो, आपको तो कोई टेंशन नहीं हो सकती, वहाँ पर कितने ज़्यादा चैलेंजेस उनको फेस। वैसे अगर मैं भाई आर्कियोलॉजी की जॉब की बात करूँ तो मैंने कभी इस जॉब को ईजी नहीं समझा। मेरे मुताबिक जो है ये वन ऑफ द टफेस्ट जॉब है दुनिया में, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये कि भाई सबसे पहले जगह को आइडेंटिफाई करना, फिर वहाँ पर जब खुदाई करना, तो भाई हर चीज़ का ख्याल रखना कि कोई ऐसी चीज़ जो है वो आपसे जो ख़राब ना हो जाए, ठीक है। फिर जो है हर चीज़ को रीड करना कि भाई अगर ये चीज़ बनी हुई है इसका मतलब क्या था, ये चीज़ है तो इसका मतलब क्या था। आर्कियोलॉजी जो बंदा इनके आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं काफ़ी डिफ़िकल्ट जॉब रहती है। वैसे चैलेंजेस जो थे वो मुझे पहली बार पता चला कि भाई इतने चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं, जैसे लैंड माफिया की बात करें, माइनिंग माफिया की बात करें, या क्या नाम लेते हैं जो आपको डाकुओं की तरफ से जो है डिफरेंट डिफरेंट यानी कि आप उनके टैक्टिक्स कह लें कि आपको जानने के उनको आपने हैंडल कैसे करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा टफ जो है आपकी जॉब में रहती हैं। अभी जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ तो पाकिस्तान में अगर आर्कियोलॉजी की बात की जाए तो अब आकर आपको थोड़ा बहुत जो है इस साइड पे गवर्नमेंट का रुझान देखने को मिल रहा है कि ऐसी जगहें जो बहुत पुरानी हैं उनके ऊपर थोड़ी बहुत इनके आटे में नमक बराबर मैं कहूँगा लिटरली कि आपको इन्वेस्टमेंट जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, जो बहुत देर पहले जैसे हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, जिस बीच में यहाँ पे नालंदा की बात की गई, पाकिस्तान में अगर देखा जाए टेक्सला की अगर बात की जाए, तो भाई ये ऐसी प्लेसेस हैं कि आप ज़्यादातर लोगों को देखेंगे ना वो लिटरली यहाँ पे इस तरह जाएंगे कि बस ठीक है भाई एक टूरिस्ट प्लेस है, एक पुरानी जगह है, यहाँ पे कभी कुछ हुआ करता था, ठीक है गए देख के घूम फिर के आगे। लेकिन वहाँ से क्या सीखा, वहाँ पे आपने क्या जाना, बहुत कम लोगों का इसमें इंटरेस्ट होता है। मुझे एक और चीज़ जो है उनकी बातों में बहुत अच्छी लगी, जैसे उन्होंने बीच में कहा कि गवर्नमेंट जो है किसी भी जगह पर जो है टूरिस्ट को लेकर जाती है तो वहाँ पर उन्हें जो है पहले 15 मिनट की जो है डॉक्यूमेंट्री दिखानी चाहिए कि भाई इस जगह की इंपॉर्टेंस क्या है, ताकि वहाँ पर जाने वाले लोग जो है ना वो उस जगह की एक अहमियत जो है तो समझ सके कि हाँ भाई इतिहास में जो है यहाँ पे कौन कौन आया, कहाँ कहाँ से आया। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ जैसे मौजम ने बोली कि जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं उनकी जॉब बहुत टफ होती है, तो आई थिंक वहाँ पर जाते ही वही लोग हैं जिनमें आई थिंक बहुत ज़्यादा पेशेंस होता है। बिल्कुल। क्योंकि अगर आर्कियोलॉजी की बात करो, जैसे एक एक चीज़ को खुरेद कर इन डेप्थ जाकर उसके बारे में सोचना, पढ़ना और जितनी डेलिकेसी से उनको इवैक्यूएट करना चीज़ों को, सो उसमें मुझे लगता है कि वही लोग जा सकते हैं जिनको एक क्यूरियोसिटी जिनके अंदर होती है कि भाई ये चीज़ है तो ये कैसे हुई होगी या इसको हम कैसे कर सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि जैसे के मोहम्मद सर ने बताया भी, चैलेंजेस भी बताए और जैसे उन्होंने इंस्ट्रक्शंस भी दी कि क्या क्या किस किस तरीके से होता है, तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान में और एक आर्कियोलॉजिस्ट में डिफरेंस ही यही होता है कि वो बहुत पेशेंस के का मुजाहरा करते हैं और वो चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं। ये उसके साथ साथ जो है ना एक और चीज़ है यहाँ पर होना, गवर्नमेंट का सपोर्ट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बगैर गवर्नमेंट के सपोर्ट के ना आप कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अगर देखा जाए तो आपको जितनी भी फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उसका एक एक रुपया जो है वो बहुत मायने रखता है। अच्छा, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि हमारे यहाँ पर स्पेशली ऐसा क्यों होता है कि लाइक आपको आपका जो सिस्टम है वो इतना इजी नहीं बनाया जाता है चीज़ों के लिए, लोगों के लिए, कि वो आराम सुकून से काम कर सके। सही बात है। डिपार्टमेंट के लिए ना ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए कि अगर कोई भी उनको चीज़ की ज़रूरत है या फिर वो कोई काम करना चाहते हैं, परमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो उनकी एक्सेस है वो बहुत ईजी होनी चाहिए और उसका जो रिस्पॉन्ड है वो बहुत जल्दी होना चाहिए। क्योंकि जैसे के मोहम्मद सर ने बात भी की बीच में कि जो अभी के 9 साल जो उन्होंने बात की और के काफ़ी ज़्यादा उनको दिक्कत जो है देखनी पड़ी आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट में, और उससे पहले जो गवर्नमेंट थी या फिर आप कह लो कि उससे पहले जो टेन्योर रहे हैं डिफरेंट पॉलिटिशियंस के और जो अच्छे जहाँ पर बहुत सारे रहे हैं तो वो भी उन्होंने जिक्र किया और जहाँ पर अच्छे नहीं रहे वो भी उन्होंने जिक्र किया। तो मुझे एक चीज़ जो मेरे माइंड में आई थी और जो मुझे अच्छी भी लगी कि जो एक डिपार्टमेंट में काम करता है ना उसको न्यूट्रल ही रहना चाहिए, उसको किसी भी पार्टी के साथ अपनी एक एसोसिएशन नहीं रखनी चाहिए। और वे यही चीज़ मुझे उनकी बातों में भी समझ आई कि जब उन्होंने कांग्रेस के टाइम में जो उनके लिए ईज थी उसका भी जिक्र किया, जो उन्होंने बीजेपी के टाइम में ईज थी उसका भी जिक्र किया, और जब नहीं ईज बीजेपी के टाइम में तो भी उन्होंने जिक्र किया। तो मुझे लगता है कि इतना जो मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो इतना खुलकर ओपनली बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ना ओपिनियन देना
और दोनों साइड की बातें सुनना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम मोस्टली क्या करते हैं कि वन साइडेड चीज़ें जो हैं वो सुनते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उसको डेफिनेटली गवर्नमेंट में मुझे लगता है कि अप्रिशिएट करना चाहिए, और जहाँ पर बेहतरी करने की ज़रूरत है वहाँ पर आपको बिल्कुल हेल्दी क्रिटिसिज्म करना चाहिए ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट हो। और पहले का टाइम मुझे लगता है इसलिए भी ज़्यादा टफ था क्योंकि पहले के टाइम में हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, लोगों का इतना इजी एक्सेस नहीं था, लोग इतनी टेक्नोलॉजी नहीं करते होते थे। हाँ, अगर अभी तो आज के टाइम में देखो कोई भी बात होती, जैसे रणवीर ने बीच में बोला भी कि देखें आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे बहुत सारे लोगों को, तो एक बड़े आदमी के मुंह से निकले हुए अल्फाज बहुत सारे लोगों तक जाते हैं, तो मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी ज़रूरत होती है। मैं ये बात बोलूँगी कि वाकई में जो एक टूरिज़्म का सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा निर्भर करता है इस चीज़ पर कि जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो कितने अच्छे से काम करती है और उन चीज़ों को बाहर निकाल कर आती है, क्योंकि मतलब देखो आज के टाइम में मॉडर्न स्ट्रक्चर तो बिल्कुल देखते हैं लेकिन जो एक पुराना स्ट्रक्चर होता है ना उसी एक अलग ही जैसे हम लोग बाटू केव्स गए थे बिल्कुल, तो वहां पर जाकर आपको एक अलग लेवल की एनर्जी फील यार किसी चलें, ये तो आप ऐसी बात कर रहे जो धार्मिक जगहें हैं, ठीक है ना, लेकिन उसके अलावा अगर आप किसी पुरानी हवेली की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, आप उसके अंदर भी जाते हैं तो उसकी भी एक वाइब रहती है। मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा इस चीज पर फोकस होना चाहिए ताकि आपके सामने वो सारी चीजें आए। बाकी आप जरूर बताइए कि आपकी क्या ओपिनियन है, जैसे केके सर ने बोला है आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है वो डेफिनेटली हम आपके साथ बैठकर देखेंगे, उसमें और क्या चीजें हम लोगों को पता चलती हैं वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे अपनी ओपिनियन। और इसके बाद गुड बाय।